सिंह जी के जी अब तुम साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली पहुँचो जिते हाईटैक गैसेस वालों जिहड़ा कि बहुत वड्डे पद्धर से ऑक्सीजन का अरेजमेंट किया जा रहा प्लान चल रहा है दिन रात जी एक संगत की सेवा लोगों की सेवा की जा रही आर एस एस जी परिवार वालों की कुछ कह दिया इन्हों के बारे मैं समझता कि इस वेले जी करोपी आई है ये जी दूजा वेव आई है करोना की ये कंट्रोल तो बाहर होगी जिते सरकार के गोडे लग गए जिते मैडिकल सिस्टम के गोडे लग गए इस वेले जिस तरीके गुरु नानक का घर सेवा करता पाया वो भावें असी दिल्ली च बैठे हैं कितने भी बैठे हैं अज सानू कितने गैस नहीं मिलती असी जा के धक्के खा चुके हैं राजस्थान हरियाणे दे विच दिल्ली दे विच लेकिन जो सेवा सचदेवा साहब कर रहे हैं हाईटैक तो मैं समझदा भावें कोई एक सिलेंडर लैके आ रहा भावें कोई भी लैके आ रहा और जो सरकार की रिक्वायरमेंट उसको पहले पूरी की जा रही है उस तो बाद जो इन्हों को बचता है वो मनुखता की सेवा वास्ते दे रहे हैं मैं समझदा वा कि मनु हूँ अच्छ 10 दिन हो गए इस काम से लग्या मैं योजा काम नहीं देखा जो सेवा ये हाईटैक इंडस्ट्री सही देवा ब्रदर्स जो करते मनजीत जी एक बड़ी वीडी गल है कि जो करोपी आँदी है तो उदों जी कि दवाइया के रेट बच जाते हैं जिमें कि हूँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो लगी है ऑक्सीजन के सिलेंडर जोड़े उन्होंने रेट जो समाना चढ़ गए हैं इन्ह के प्रति की सोची कि ये जायज़ हो रहा कि लोगों इंसाफ हो रहा मैं समझदा कि जेडे इस वेले ये जो कोई प्रॉफिट की गल लभदे पे आ वो मनुखता नाल धरोह कर रहे हैं वो कितने ना कि जे रब तो असी भौ खाइए रब तो असी डर अपना समझिए तो मैं समझदा कि शायद वो अपने लिए कंडे बीजते पे आ इस वेले दुआवां चाहिए लोगों दी उन्हां दी दुआवां चाहिए जेडे 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो शायद उन्होंने प्राण चले जाएंगे मैं समझदा कि वो दवाइया के रेट वधाने सिलेंडर के रेट वधाने ब्लैकमेल करनी ये सब तो वड्डा करोपी है कलयुग आर एस एस देवा जी जिमें कि तुसी लगातार सेवा करते कोई अज नहीं जो अज तो चलो जरूरत पै रही है ता कर पर तुसी शुरू तो जिहड़े आ के ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को सेवा लई घरां च भी दिंदे हो तो हुण तुसी की महसूस करोगे जो अज तुहानू सेवा का मौका मिले मैं तो कहना जी करोना जल्दी तो जल्दी खत्म होवे साडे परिवार वालों जिहड़ी सानू हुक्म लगा बाबे दा वो चलदा रहेगा और बाकी असी एक परिवार ने फैसला किया कि असी हुण कोई भी बंदा किसी भी स्टेटमेंट नहीं देंगे कि अभी कुछ सेवा कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता पर मैं सच्चे पातशाह अगर अरदास करता कि औखी घड़ी ना किसी अगे लिया पर सचदेवा जी एक गल जरूर कहांगे कि जिवें करोपी के समय के गैस सिलेंडर के रेट घटने चाहिए होर जिहड़ियां चीज़ों की लोड़ पैंदी ऑक्सीजन गैस लैण समय उन्होंने रेट भी घटने चाहिए पर काला बाजारी वध गई वो तुम की कहने सरकार को किस तरह नियंत्रण करना चाहिए मैं अपने विचार मुताबक इस वेले सारे सिस्टम कलैप्स हो गए ना सरकार का कितने नाम है तो ना कोई मोनीटरिंग है ना कोई कंट्रोल है सो ये सारा फेलीयर है ये हर बंदे नू अपने आप पर छड़ता गया कि तुम जी सकते हो जी लो मर गए तो मर जाओ असं थोड़े को कुछ नहीं कर सकते ये सिचुएशन बन चुकी है लोग पैसे लैके सड़कों से तुरे फिरते हैं कि साड़ी जान बच जाए उन्होंने चीज नहीं मिलती और जेडे को हस्पताल की लोड़ है हस्पताल नहीं मिलता बैड की लोड़ है बैड नहीं मिलता ऑक्सीजन नहीं मिलती मास्क नहीं मिलता रेगुलेटर नहीं मिलता सिलेंडर नहीं मिलता दवाई नहीं मिलती इतनी शर्म की गल है कि करोसिन वर्गी दवाई कैमिस्ट को नहीं है इंडिया की इस तो मंदभागा टाइम साढ़े लिए हो सकता है।